Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to the amazing platform of Rankers J. Today I will discuss the question number 21 to 30. That is episode 3 will be discussed here. So I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे. आप सबको एपिसोड 1 एंड 2 अच्छा लगा होगा. आई होप समझ आया होगा, है ना. तो मैं आज एपिसोड 3 डिस्कस करने वाली हूँ, सो जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 होंगे. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू थ्री इज, है ना. तो इस वाले ऐसे क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स होते हैं. पहला मेथड, आप ग्राफ मेथड बनाइए, ग्राफिकल ग्राफ बनाइए और वहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, है ना. सेकेंड मेथड विल बी कि आप प्रॉपर मेथड करो और उसको पूरा सॉल्व करो, फिर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना. तो मैं मेथड 1 क्या है, आप इसका ग्राफ बना लो. मेथड 2 प्रॉपर मेथड है ना. तो ये एक ग्राफ से और एक प्रॉपर मेथड, है ना. तो मैं पहले आपको प्रॉपर मेथड बताती हूँ, उसके बाद आपको ग्राफ भी बता दूंगी, है ना, सो दैट पूरा क्लियर हो जाएगा. तो आपके पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना. आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ था, तो इसकी मुझे क्या बतानी है, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में वेयर एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू थ्री इसके बीच में, है ना. तो देखो इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करिए तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाला चीज लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना. अब देखो आपके पास यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे टू एक्स करना पड़ेगा. यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे प्लस वन है, तो आपको माइनस टू भी ऐड करना पड़ेगा. तो माइनस टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इतना दिख रहा है आपको, है ना. तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस का साइन है, दो टर्म्स हैं, क्या मैं दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख सकती हूँ. तो जब पहले वाले टर्म को आप लिखेंगे तो आपके पास दिस बाई दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. एंड सेकेंड फैक्टर विल बी टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है. अब आपको पता होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे तो आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया हुआ है ना. तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पहला मेथड कि आप डेरिवेटिव करके निकाल लो, है ना. तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास जो डेरिवेटिव करने के बाद अब उसको आप जीरो करेंगे तो जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे एक्स की वैल्यूज उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, और आपको वहीं पर चेक करना होता है ना. तो एक बार एफ डैश एक्स निकालिए और बताइए क्या आएगा. तो एफ डैश एक्स, पहले वाले टर्म तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा. सेकंड का क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसका हो जाएगा टू, टू एक्स माइनस टू इंटू नीचे वाले फैक्टर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है ना. तो इसको मैं थोड़ा सा उधर कर देती हूँ, एफ एक्स. तो ये लिखा हुआ एफ एक्स, और जब मुझे नीचे वाले का इस पर डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस वन, ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज यूज़ कर रही हूँ, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और इधर क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस टू, है ना, प्लस टू, और क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस वन. टू एक्स माइनस वन, और नीचे वाला फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू. सेकेंड क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे माइनस टू एक्स है और ये वाला जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का टू एक्स हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा. फिर यहाँ पे प्लस टू है और यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ फोर एक्स, है ना. तो प्लस टू प्लस फोर एक्स
माइनस टू, तो ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर वो पॉइंट्स आपको निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्या करना होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताना, इस पूरे फैक्टर को इक्वल टू जीरो करना है, तो नीचे वाला चीज़ तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज आप क्या करिए, माइनस टू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस टू है ना इक्वल टू जीरो। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए आप, तो यहाँ से आपको दो फैक्टर्स मिले, इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। तो ये मेरे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। और इन्हीं पे हम क्या करने वाले हैं, अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एफ डबल डैश मुझे चेक करना होता है ये क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश, है ना, तो जब आप एफ डबल डैश निकालेंगे, सपोज इस वाले पॉइंट पे जीरो पे, तो इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, ये आपका काम है। आप डबल डेरिवेटिव इसका निकालना, तो आपको पता लगेगा कि जब डबल डेरिवेटिव आपने निकाला तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। और इसको ही अगर आपके पास एफ डबल डैश जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, मतलब इक्वल टू जीरो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट, राइट, इनफ्लेक्शन पॉइंट। किसको बोलेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू जीरो को, ठीक है। तो ये तो इस पॉइंट पे ना तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, ओके। तो मुझे दूसरा पॉइंट कौन सा बचा, x इज इक्वल टू टू। तो जब आप निकालेंगे तो f डबल डैश टू करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू जीरो, लेस देन जीरो आएगी। तो आपको पता है जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ टू, राइट। तो जिस पॉइंट पे आपको डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ टू, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो मेरे पास फंक्शन क्या था, एक बार नोट करना, फंक्शन था एक्स स्क्वायर, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था तो ये बचा था फंक्शन। तो एक बार मैं लिख लेती हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाय क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, है ना। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ ऑफ टू करना है, तो एफ ऑफ टू रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर माइनस टू इज टू, राइट। सो फोर माइनस टू प्लस टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फोर प्लस टू डिवाइड बाई टू, दैट इज सिक्स बाई टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सिक्स बाई फोर होगा यहाँ पे, और सिक्स बाई फोर को आप क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई टू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू, और इसका वैल्यू क्या है, थ्री बाई टू, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, थ्री बाई टू फोर क्या आ रहा है, एक मिनट, आपने एफ ऑफ टू रखा ना, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अच्छा एक बार वन प्लस भी करना था ना, मैंने वन वाला चीज छोड़ दिया है, तो जब आप वन भी ऐड करेंगे, है ना, एफ ऑफ टू रखना है आपको, एफ ऑफ टू, है ना। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस फोर माइनस टू डिवाइड बाय फोर माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ से क्या बचेगा, वन प्लस टू बाय, अब ये कितना हो जाएगा, फाइव माइनस टू इज थ्री, विच इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री, है ना, ये आ रहा है आंसर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया था तो मैं उसको रफ कर देती हूँ, है ना, ये जो भी किया था मैंने, तो इसकी वैल्यू आ गई है फाइव बाई टू, ठीक है, फाइव बाई थ्री, सॉरी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव बाई थ्री, ठीक है। चलो ये समझ आया होगा आपको मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकाला, फंक्शन का एफ डैश इज इक्वल टू जीरो कर दिया, वहां से मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, पहला मिला जीरो एंड सेकेंड है इज टू, है ना।
तो जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव आप चेक करेंगे जीरो पे, तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू जीरो आएगी, तो वो तो ना तो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना तो मिनिमा होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. सो क्वेश्चन नंबर टू इज 22 इज दिस. द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम द रेंज ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 इज, है ना. तो जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन सेम है, बस आपसे पूछ रहे अगर इस बार मैं ये रेंज चेंज कर दूं, मतलब एक्स की वैल्यू -1 to 1 ले लूं, तब आप मुझे बताइए इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना. तो मैं एक बार क्या करती हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन से एक बार फंक्शन की वैल्यू लिख लेती हूँ, है ना. तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. एक बार वेरीफाई कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस एक्स माइनस वन. ठीक है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ था. अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है और इसकी रेंज क्या है. एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना. तो -1 to 1, अच्छा एक बार वो वाला मेथड जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था वो मैंने प्रॉपर मेथड से किया था, है ना. दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया था. अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है, मतलब है क्वेश्चन नंबर 21 पे ही बेस्ड, बस ये पूछ रहा है अगर इसके एक बार मैं डोमेन चेंज कर दूं तब आप बताइए मुझे, है ना. तो मैं इस वाले मेथड को ग्राफ मेथड से कर रही हूँ, सो दैट आपको इसका ग्राफ भी पता हो जाएगा और आप जिस आपकी मर्जी, आप पहला वाला क्वेश्चन अगर ग्राफ से सॉल्व करना चाहते हैं तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, है ना. तो जो ये वाला फंक्शन था इसका ग्राफ एक बार आप में -1 to 3 था, है ना. इसमें x बिलोंग्स टू -1 to 3, ठीक है. तो मैं पूरा -1 to 3 का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ, इसके बाद आप -1 to 1 में देख लेना ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, है ना. तो ऐसे कुछ है, x एक्सिस दिस इज y, ठीक है, दिस इज x और यहाँ पे है -1 -2 -3, है ना. दिस इज 0, दिस इज 1, -1 and -2, इस तरीके का है. मुझे ग्राफ बनाना है इसका, है ना. तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे जाता है, यहाँ पे -1 है तो 0 पे इस ग्राफ की वैल्यू -1 आती है और 1 पे ऐसे जाएगा और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो मैंने अभी फाइंड किया कितना आ रहा था, 5/3 करके, है ना. ऐसे जाके कुछ फिर ये ग्राफ ऐसे जाता है आपका इस तरीके का. और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 वाली, ऐसे. और ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे करके फिर ऐसे जाता है कुछ, ठीक है. तो ये जो फंक्शन था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो ये पूरा एक्सप्रेशन था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है ना. तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा इसकी वैल्यू 1 पे कितनी है, 1, 0 पे क्या है -1 और -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 पे कुछ भी जो भी हो, ठीक है. तो इस तरीके का ग्राफ आ रहा है. अब आप देख पा रहे होंगे आपको रेंज क्या क्या लेनी थी, मतलब डोमेन क्या क्या सिलेक्ट करना था. तो क्या सिलेक्ट करना था, -1 to 1 आपको यहाँ से और यहाँ तक देखना था, है ना, -1 to 1 पे. तो आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में -1 to 1 पे, -1 to 1 में 0 बिलोंग करता है ना, -1 से 1 में. तो 0 पे ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है -1 और 1 पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1. तो आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या रही है, -1 और मैक्सिमम वैल्यू इज -1, ठीक है. तो आपको क्लियर यहीं से ग्राफ से ही दिख गया, अदरवाइज आप फिर से फर्स्ट वाला मेथड लगाइए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, ठीक है. तो आपको ये समझ आया होगा थ्रू ग्राफ आप बोल सकते हैं. तो एफ ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 0 पे -1 एंड एफ ऑफ 1 पे 1, ठीक है. तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ जाएगी इस बार, -1 to 1, ठीक है, ठीक है. तो समझ आ गया आपको -1 to 1, तो ये हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको फिर से बताती हूँ, ठीक है. तो देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है. तो आपको पता होगा अगर ऐसी वाली कंडीशन दी होती है तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना. सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, है ना. तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हो गई x1 + x2 = 0. तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, अब ऐसा बनाइए जो जनरल फॉर्म होती है. तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax2 + bx + c = 0. मुझे उस फॉर्म में बनानी है इक्वेशन, ठीक है. आप जैसे इस फॉर्म में बना लेंगे आप सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. तो क्या कैसे बनेंगे, देखो आप क्या करो, एक बार एलसीएम ले लीजिए. तो ये क्या हो जाएगा, x+q + x + p, हाँ, तो डिवाइड बाय x + p इनटू x + q
इक्वल टू कितना दिया है आपको 1 बाई आर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए अब तो क्या हो जाएगा, आर टाइम्स 2x प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा है ना। तो आप क्या करिए, इसको एक साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r और ये वाला माइनस में आएगा है ना। तो आप इसको लिख लीजिए माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इंटू, ठीक है ये हो जाएगा। फिर क्या आएगा इधर, माइनस ऑफ पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर इक्वल टू जीरो, ठीक है आपको ये मिल गया। अब ये देखो आपको इस तरीके का दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें क्या करिए, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको जीरो करनी है। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू जीरो, आपको ये कर देना है। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू इतनी है ना, तो आप वही वाला कंडीशन लगाइए सम ऑफ रूट्स। तो माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ टू आर माइनस ऑफ टू आर माइनस पी प्लस क्यू है ना, माइनस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई ए की वैल्यू तो वन ही है आपके पास इक्वल टू जीरो। तो जीरो करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू, ठीक है आपको r की वैल्यू मिल गई। तो जैसे ही आपको एक कंडीशन लगाते हैं तो आपको एक रिलेशन मिलता है। तो मैंने एक कंडीशन लगाई तो आपको p, q एंड r में एक रिलेशन मिल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है क्या होता है, c बाई ए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाई ए, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस ऑफ पी क्यू प्लस सॉरी माइनस ऑफ पी क्यू प्लस प्लस क्या है, p प्लस क्यू इंटू आर है ना। तो p प्लस क्यू इंटू आर और डिवाइड बाई a, तो a की वैल्यू तो 1 ही है आपको पता है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए तो माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू और r की वैल्यू आपको क्या पता है, p प्लस क्यू बाई टू, राइट। सो p प्लस क्यू बाई टू आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू पी क्यू है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू पी क्यू, राइट। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस टू पी क्यू आएगा, तो प्लस टू पी क्यू विल बी कैंसिल आउट विद माइनस ऑफ टू पी क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b बाय a, राइट। तो मैंने ये किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है ना, माइनस ऑफ पी क्यू। तो एक्स स्क्वायर था प्लस ये था, तो मैं इधर ही तो लेके आई हूँ, तो ये वाला तो प्लस ही रहेगा ना, और ये वाला उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा है ना, मैंने ये मिस्टेक की है। तो प्लस का पी क्यू होगा और वो उल्टा होगा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, आपको सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू से जीरो दी हुई थी, आपसे पूछ रहा था प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू बताओ, तो आपको ये रिलेशन मिल गया था, इसमें वैल्यू रखी तो आंसर आ गया माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू दिस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24। If a root of the equation a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, is the reciprocal of the root of the equation this? Then, आपको क्या पता है पहली वाली equation का जो root है वो reciprocal है second वाली equation का, तो इसमें से बताना है कि कौन सी वाली condition true है ना। तो suppose, तो मैंने लिया, मैं दूसरे पेज पे जाती हूँ, इसका solution. Let root of equation 1 is x, ठीक है। अगर x इसका रूट है तो कौन सी वाली इक्वेशन होगी, ऑब्वियसली x है तो मैंने x ही माना है, ज़्यादा वेरिएबल्स ना है इसलिए मैंने इसको x ही अज्यूम किया है। तो x जो है इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। अब आपसे कह रहा था कि ये वाले इक्वेशन का जो रूट है ना वो रेसिप्रोकल है इस वाले इक्वेशन के रूट का, तो सेकंड वाले इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स है ना। तो सेकंड वाले, सो रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन विल बी
वन बाय एक्स, ऑब्वियसली वन बाय एक्स हो जाएगा, है ना। तो आपको सेकेंड वाली इक्वेशन कौन सी दी है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, है ना। तो ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब जब सेकेंड वाली इक्वेशन का रूट क्या है, वन बाई एक्स, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, x की जगह रिप्लेस कर दिया वन बाई एक्स। सो ए टू वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी टू वन बाई एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने क्या रखा है कि रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मैंने वही वाली कंडीशंस डाली। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, सी टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा सी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस ए टू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन चेंज होके इक्वेशन टू अब ये बन जाएगी, तो ये सपोज इक्वेशन टू है और ये वाली इक्वेशन वन है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा था कि इन दोनों में अगर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इफ ए रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू। ओके, तो अब देखिए, आप बताइए, इस वाले इक्वेशन में भी x है और वही वाला सेम x जब मैंने उल्टा किया तो ये वाली इक्वेशन आती है। तो जब आपको ये दोनों इक्वेशन मिल रही है तो इसमें से आपके पास एक रूट तो कॉमन होगा ही ना, एक रूट कॉमन होगा एटलीस्ट। अब एक रूट कॉमन होने की कंडीशन क्या थी, आपने पढ़ी होगी, अगर आपके पास दो इक्वेशन है सपोज, तो अगर आपके पास ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है, दूसरी है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, क्या होती है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इन टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू क्या होता है, सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू का होल स्क्वायर। ये कंडीशन होती है जब आपके दो इक्वेशन होती है आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से सेम कोएफिशिएंट रखने और वैल्यू पुट कर देनी। तो पहला क्या है, ए वन इंटू बी टू, तो ए वन की वैल्यू तो ए वन है और बी टू की वैल्यू यहाँ पे बी टू हुई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ए टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी टू और बी वन इज बी वन, है ना। तो सी टू हो जाएगा बी वन इंटू बी वन सी टू, तो बी वन की वैल्यू बी वन है और सी टू की वैल्यू क्या है, ए टू। सो ये हो जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, दैट इज बी वन ए टू, है ना, बी वन बी टू सी वन की वैल्यू कह रहा है, तो बी टू एंड सी वन, बी टू सी वन विच इज इक्वल टू सी वन ए टू, तो सी वन की वैल्यू सी वन है और ए टू की वैल्यू क्या है, सी टू। सो इट विल बी सी वन सी टू माइनस ए वन सी टू, दैट इज ए वन ए टू, है ना। तो ये हो जाएगा ए वन ए टू का होल स्क्वायर। तो यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन कहाँ पे है, ये वाला ए वन बी टू माइनस सी टू बी वन, ए वन बी टू माइनस सी टू बी वन, और दूसरी कंडीशन क्या है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, बी वन सी टू, यहाँ पे आपको क्या करना था, बी वन सी टू रखना था। तो बी वन की वैल्यू बी टू आ रही है और सी वन की वैल्यू क्या है, बी वन सी टू, तो बी वन ए टू, यहाँ पे ना मैंने गलत किया है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वन ए टू, है ना, क्योंकि सी टू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए टू। दूसरी क्या है, बी टू सी वन, तो बी टू सी वन मतलब बी टू सी वन, वो सेम है। तो ए वन बी टू माइनस सी टू बी वन, ए वन बी टू माइनस सी टू बी वन, ए वन बी वन ए टू बी वन, बी वन सी टू, ए टू बी वन, बी वन सी टू, है ना, ए वन ए टू माइनस सी वन सी टू, है ना। ये वाला ऑप्शन वन के साथ मैच कर रहा है ना, आप देखिएगा ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है ना, सेम कंडीशन। मैंने क्या किया, इसको पहले इसका रूट एक्स ले लिया, फिर सेकंड वाले इक्वेशन का रूट मैंने वन बाय एक्स ले लिया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये वाली कंडीशन लगाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नाउ 25th में क्या कह रहा है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, दैट इज दोनों रूट डिफरेंट है, बट अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, आपको ये पता लगाना है ना। तो देखिए, आपको पता है अगर आपके पास रूट होता है तो उसकी ऑब्वियसली कोई इक्वेशन ही होगी, तभी उसका रूट्स रहा होगा, है ना।
अब अगर वो किसी इक्वेशन का रूट है तो वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। तो सपोज ये अगर अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट हैं, तो मैंने मान लिया सपोज वेरिएबल एक्स की कोई इक्वेशन थी, उसके ये रूट्स थे और इसी इक्वेशन को ये रूट सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो अब आप बताइए इन दोनों के अकॉर्डिंग आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी वाली इक्वेशन होगी। बहुत आसान से आप तो बता सकते हो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यही तो इक्वेशन आएगी दोनों से, और इनके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा, और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, इतना हो गया। पूछ रहा है देन द इक्वेशन विद द रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो अगर आपको एक कोई इक्वेशन मिल गई है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो क्या आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू बता पाएंगे? ऑब्वियसली बता लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाँच, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है, तीन। ठीक है, आपको ये दो कंडीशंस मिल गई। अब पूछ रहा है आप ऐसी इक्वेशन बताइए जिनके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो। तो आपको पता है इक्वेशन के ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप इसी वाली इक्वेशन को यूज करके आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब प्रोडक्ट में अगर कोई चीज़ रेसिप्रोकल में लिखी है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू वन हो जाती है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। राइट, अब आपसे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, तो आपको इसको हटाने के लिए माइनस टू अल्फा बीटा करना पड़ेगा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप पीछे जाइए और देखिए सम ऑफ रूट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइव थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थ्री है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइव, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज फाइव एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, तीन। तो आप यही यूज करेंगे अब, है ना। तो सम ऑफ रूट, तो इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस टू अल्फा बीटा दैट इज टू थ्री जा सिक्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज थ्री और इनटू में कितना है x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 19 बचेगा डिवाइड बाय थ्री इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा और सुंदर बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, तीन एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस ऑफ 19x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ रही है जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, वो जिसके रूट अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा थे। तो क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस थ्री है ना। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस थ्री है ना, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। तो आसान था ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्या है क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज सेम एज दैट ऑफ दिस इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आपको बताना है कि कंडीशन क्या आएगी, मेरे पास रिलेशन क्या आने वाला है ए बी में। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, आपको क्या डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है? सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑफकोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपसे कह रहा है कि अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो आप इनका डिफरेंस बताइए, है ना। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो इसको कैसे आप निकालते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और इसको अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का आप होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, बट इधर तो माइनस टू अल्फा बीटा था, तो माइनस टू लाने के लिए आपको माइनस फोर अल्फा बीटा को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लिख दिया तो इसको बस हम यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो सपोज इसके रूट्स पहली वाली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा वन एंड बीटा वन, और इक्वेशन टू के रूट्स हैं
अल्फा टू एंड बीटा टू, ठीक है। तो इसके डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो अल्फा वन माइनस बीटा वन है ना, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू माइनस ए और अल्फा वन बीटा वन की वैल्यू दी है आपको बी, ठीक है। सिमिलरली अल्फा टू प्लस बीटा टू की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, माइनस बी एंड अल्फा टू बीटा टू प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है ए। आप यही दोनों यूज करने वाले हैं और आपको कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लगाने वाले हैं, आपको दिया है कि अल्फा वन माइनस बीटा वन का डिफरेंस जो सेम है ना, अल्फा टू माइनस बीटा टू के सेम है। तो इसको मैंने अभी बताया लिखने का तरीका क्या है, अल्फा वन प्लस बीटा वन का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा वन बीटा वन विच इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा टू बीटा टू। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, तो बताइए अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू है माइनस ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बी है ना, तो माइनस फोर बी विच इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू की वैल्यू है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू ए है तो माइनस फोर ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस फोर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ए बी स्क्वायर को इधर लेके आए तो एक क्या हो जाएगा ये, और इधर आएगा माइनस फोर ए प्लस फोर बी, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से आप क्या करिए माइनस फोर कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कंडीशन मिल गई आपको, कुछ नहीं था बस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए था, इक्वेट कर दिया तो आ गया ये। तो कौन सा इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, सो 27 इज सेइंग इफ टैन थीटा आई वेर आई रनिंग फ्रॉम 1 टू 3 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू क्या है, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब साइन टू बीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस टू बीटा माइनस एक्स कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू जीरो, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ऐसा निकालना हो टैन थीटा 1 प्लस थीटा 2, सपोज यहाँ पे थीटा 4 है तो मैं थीटा 3 प्लस थीटा 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ऐसे होता है एस वन माइनस एस थ्री डिवाइड बाय 1 माइनस एस टू प्लस एस फोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस वन एस थ्री एस टू एस के ये नोटेशन जो यूज हुए हैं, तो यहाँ पे सपोज एस के इसकी वैल्यू ये होती है, और एस के का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन के एट अ टाइम, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे देखो यहाँ पे थीटा वन थीटा थ्रू अप टू थीटा फोर तक गया था ना, तो थीटा इसके मैक्सिमम वैल्यू सफिक्स की कितनी थी 4, तो आपको क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर होता है वहाँ पे ऑड नंबर्स रखने होते हैं विद माइनस साइन एस वन माइनस एस थ्री, और नीचे सारे इवन नंबर्स आते हैं, इवन में सफिक्स में आते हैं, और वन माइनस फिर अल्टरनेट साइन आपको चेंज करना होता है ना। तो आपको ये यूज करना था फॉर्मूला और डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाती। तो देखो आपके पास एस वन की वैल्यू क्या है, तो एस वन का मतलब क्या है, एस थीटा वन थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर, ओके। सो टैन थीटा आईज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। सो आपको मिलेगी इसकी वैल्यू टैन थीटा वन प्लस टैन थीटा टू प्लस टैन थीटा थ्री, इस तरीके का। तो देखो एस वन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एस वन दैट इज टैन थीटा वन प्लस टैन थीटा टू प्लस टैन थीटा थ्री प्लस टैन थीटा फोर। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस साइन टू बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन टू बीटा, राइट, ठीक है। सिमिलरली एस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, राइट। तो मतलब दो दो का करना है आपको, तो इसका अगली वैल्यू क्या होती है, प्लस ऑफ सी बाय ए, दैट इज कॉस टू बीटा, है ना। सिमिलरली जब आप एस थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन के साथ इस वाले फैक्टर को लेना है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस कॉस बीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस बीटा। सिमिलरली आप जब एस फोर की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का आ जाएगा, दैट इज प्लस ऑफ माइनस साइन बीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन बीटा।
तो आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्या है टैन ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, समेशन थीटा ए वेर आई रनिंग फ्रॉम 1 to 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एस वन, तो एस वन की वैल्यू कितनी आ रही है साइन टू बीटा, साइन ऑफ 2 बीटा माइनस एस थ्री, तो एस थ्री की वैल्यू कितनी है कॉस बीटा, दैट इज माइनस कॉस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस एस टू, तो एस टू की वैल्यू कितनी है कॉस 2 बीटा, है ना, कॉस 2 बीटा माइन प्लस एस फोर, तो एस फोर की वैल्यू है माइनस ऑफ साइन बीटा, राइट, सो माइनस ऑफ साइन बीटा, तो इसको माइनस कर दीजिए आप और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन बीटा, ठीक है। हेलो, हाँ, तो इसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, ठीक है। तो साइन टू बीटा, साइन टू बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 2 sin beta cos beta, और यहाँ पे भी cos beta है तो cos beta कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा 2 sin beta माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस cos 2 beta, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 1 माइनस 2 sin square beta माइनस sin beta, है ना। तो अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था cos beta, अंदर क्या आएगा 2 sin beta माइनस 1 डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2 sin square beta प्लस साइन बीटा, अच्छा माइनस होता है तो यहाँ पे आगे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, अब आप यहाँ से क्या करिए साइन बीटा कॉमन ले लीजिए, तो साइन बीटा कॉमन लेंगे आप तो अंदर क्या बचेगा 2 sin beta माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका cot beta, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप cot beta कौन से वाले ऑप्शन में है, cot beta, राइट, ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो गया। नाउ 20 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, लेट ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, मतलब ये कहाँ बिलोंग करते हैं आर प्लस में, सच दैट ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू सी बाई डी, तो इसका मतलब क्या है आपके पास ए डी जो है वो बी सी के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब आप जो है ए डी माइनस बी सी को जीरो पुट नहीं कर सकते, ओके। नाउ देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, अच्छा आपके पास ए बी सी डी पे कंडीशन दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि जो इस वाले इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल या डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल और इक्वल होंगे या फिर नथिंग कैन बी सेड, ओके। तो आपको जब अगर रूट्स की हमें नेचर पता लगाना होता है तो एक ही कंडीशन होती है हमारे पास कि मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लूँ, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा 4 times ac + bd का होल स्क्वायर, राइट, ac + bd का होल स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, माइनस 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 times a² c² + b² d² + 2 ac bd, इतना आ जाएगा, मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ, इसको हटाइए आप, ठीक है, इधर लिख रही हूँ मैं, नेक्स्ट पेज यूज़ कर सकते हैं, तो ac + bd का होल स्क्वायर, है ना, ac + bd का होल स्क्वायर दैट इज a² c² + b² d² + 2 ac bd, है ना, ये, और क्या है माइनस ऑफ फोर टाइम्स, अंदर क्या है मेरे पास a² + b² दैट इज a² c² + a² d², है ना, तो a² c² + a² d² अगला टर्म क्या आएगा b² c² + b² d², है ना,
प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, है ना। तो इससे देखियो कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, यहाँ पे क्या है फोर टाइम्स ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वेयर एंड डी स्क्वेयर है क्या, या ऑफकोर्स बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर इधर है, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर इधर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एट टाइम्स ए बी सी डी, है ना, और इधर क्या बचेगा माइनस फोर टाइम्स ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, है ना। आप क्या करिए, यहाँ से माइनस फोर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ए बी सी डी, इतना बचेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई किया और सबको रीअरेंज किया है। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस फोर टाइम्स ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी। तो आपको पता चल गया होगा ये किस चीज़ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब आपको पता है रियल नंबर्स में अगर किसी चीज़ का स्क्वायर लिखा होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, बट ये वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पूरा आंसर क्या आने वाला होता है, नेगेटिव। और अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ से आपके पास रूट्स कैसे मिलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। तो जो ये वाली क्वेश्चन है आपके पास तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, इसमें डी चेक करना था आपको और कुछ नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ऐसे था कुछ, अल्फा प्लस टू कॉमा बीटा प्लस टू, है ना, ये था शायद, ठीक है, ऐसे था। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने छोड़ दिया इतना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 ब्लैक बुक का, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या इक्वेशन दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। तो सोल्यूशन इज आपके पास इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो जो है हर रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं वही वाला मेथड अप्लाई करने वाली हूँ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो इक्वेशन विल बिकम ए टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने इसको बोला दिस इज इक्वेशन वन, है ना, मतलब एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बट अब ये क्या कह रहा है, अगर x की जगह में अल्फा ना रख के अल्फा प्लस टू या फिर बीटा प्लस टू रख दूँ तब जो इक्वेशन आएगी ना मुझे, वो वाली इक्वेशन आप बताइए, ठीक है, ये कह रहा है ना। तो अब आपको क्या है, x की जगह बोल रहा है अल्फा प्लस टू ले लो या फिर बीटा प्लस टू ले लो। तो सपोज अगर मैंने x की जगह क्या ले लिया, अल्फा प्लस टू, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गए, एक्स माइनस टू यहाँ से, तभी तो मुझे इक्वेशन मिलेगी जिसके रूट्स अल्फा प्लस टू एंड बीटा प्लस टू हो, है ना। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली तो आ गई x माइनस टू, यही वाला उठा के इक्वेशन वन में रख दो। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन वन, है ना, तो इक्वेशन वन में आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स अल्फा की जगह क्या है अब x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा इज x माइनस टू प्लस c इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना था बस और आंसर आ जाता। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर एक्स, है ना, प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक साथ ले लीजिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर ए प्लस बी, है ना, और सी वाला टर्म क्या बचेगा, लास्ट वाला टर्म, तो ये हो जाएगा फोर ए माइनस टू बी प्लस सी, इसकी प्लस ये है जो प्लस सी इधर लिख रही हूँ मैं, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बन रही है मेरे पास एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस फोर ए प्लस फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मैच करते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है ना। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर ए
बी माइनस फोर ए, ठीक है इतना मैच हो गया है. फिर क्या है, फोर ए माइनस टू बी प्लस सी, है ना, फोर ए माइनस टू बी प्लस सी. आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है ना. तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करिए, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू रखिए और अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए उस इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा, है ना. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. 30 क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल नंबर पूछ रहा है आपसे, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस. अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो पूछ रहा है कि क्या रखूं मैं, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना. तो इसके कितने रूट्स आएंगे मिनिमम पॉसिबल, तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या रही वहीं से हमें पता चल जाएगा कितने होने चाहिए मिनिमम, है ना. तो मिनिमम एक ही हो सक, मतलब कितने, जीरो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ना, दो भी हो सकते हैं, तो पता लगाना है मुझे. तो इसका एक बार सम ऑफ रूट्स बताना, सपोज अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, ठीक है. तो जब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो सपोज, तो सम ऑफ रूट्स बताना एक बार कितना हो जाएगा, वन प्लस लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी दैट इज अल्फा बीटा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ टू, ठीक है. तो आपको लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अब आपको लैम्डा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, लैम्डा को गायब कर दूँ इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके. तो अब आप बताइए कि लैम्डा को अगर मुझे गायब करना है, अच्छा लैम्डा माइनस टू है सॉरी, ठीक है. तो लैम्डा माइनस टू अगर इसको गायब करना है तो एक ही मेथड है कि आप सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों इक्वेशन को, सो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा बीटा विच विल बी इक्वल टू वन प्लस लैम्डा माइनस ऑफ लैम्डा माइनस टू. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन वन प्लस टू दैट इज थ्री, ठीक है. तो आपको इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, थ्री. ओके ओके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आ गई है तीन, राइट. अब आपको बताना है कि मिनिमम कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं सो दैट ऐसा आए, ठीक है. तो थोड़ा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, आप देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, अल्फा कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री, ठीक है. अब अगर मुझे वन माइनस बीटा इसको बनाना हो तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अल्फा है और यहाँ पे वन माइनस बीटा है, ठीक है, प्लस अगर मैं इसको क्या कर दूँ, बीटा एक बार माइनस वन किया है और एक बार प्लस वन कर रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू थ्री, ठीक है. अब ये क्या बन गया, अल्फा टाइम्स वन माइनस बीटा, है ना, या फिर माइनस में कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस बीटा, और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, बीटा माइनस वन आ जाए, तो प्लस वन लिख दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा माइनस वन, और इधर जाएगा ये हो जाएगा थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू टू, ठीक है. इतना पता चल गया आपको. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, बीटा माइनस वन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस वन इक्वल टू टू, ठीक है, इतना आया. अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों जो अल्फा और बीटा है ना उनको मैं प्लस करना चाह रही हूँ, उनका कोएफिशिएंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस वन, ठीक है. तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है ना, तो उधर भेजना पड़ेगा. अब जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ रही है, ऐसा आ रहा है रिलेशन कि बीटा माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए. अब आप बताओ, ये कह रहा था कि कितने मिनिमम रूट पॉजिटिव लूँ सो दैट ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब आपको, मतलब सॉल्व करने पे ये मिला है मुझे. अब आप बताइए मैं अल्फा और बीटा की कितनी पॉजिटिव वैल्यूज लूँ सो दैट मुझे ये मिल जाए, मिनिमम पूछ रहा है आपसे. अब एक चीज़ बताओ, आपने बोला कि मैम मैं एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, अब बताइए आप इसका आंसर. तो सपोज मैंने अल्फा की बीटा की वैल्यू ले ली, पॉजिटिव ही ले रही हूँ, ठीक है. तो बीटा की वैल्यू सपोज मैंने ले ली दो ले लिया, ठीक है, बीटा की वैल्यू मैंने दो ले लिया और अल्फा की वैल्यू ले ली मैंने सपोज तीन. मैंने दोनों ही पॉजिटिव ले लिए, ठीक है. जब मैंने दोनों ही पॉजिटिव ले लिए तो इधर तो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है. सपोज एक तो ये केस हो गया, तो मुझे तो मिनिमम चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है. तो बीटा माइनस वन अल्फा माइनस वन होने के लिए मैं क्या करूं, अगर एक भी वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूं, सपोज मैंने अल्फा की वैल्यू ले ली माइनस वन, तो मैं बीटा को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा सो दैट मेरा जो आंसर आए वो नेगेटिव में ही आए, है ना. तो मिनिमम आप एक ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दोनों ही पॉजिटिव लो, दोनों ही नेगेटिव लो, आप एक को ले सकते हैं. तो यहां से आप बोल सकते हैं कि मिनिमम
वन पॉजिटिव रूट इज पॉसिबल. ठीक है, ठीक है. मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आप एक भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तब भी चलेगा, तब भी आपको इनका जो ऐसा कुछ ये आ रहा है ना एक्सप्रेशन उसमें नेगेटिव टू आपको दे देगा, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा वन. ठीक है, तो वन इज करेक्ट. ठीक है, सो सारे क्वेश्चंस हो गए 30. आई होप सबको समझ आए होंगे. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए. तो आज 30 क्वेश्चंस कवर होंगे. नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 में हम 31 टू 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो अब आप इतने देखिए सारे क्वेश्चंस, समझिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए, है ना. और नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए. एक चीज़ और, अगर आप मेरा लेक्चर देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो ट्राई कीजिएगा कि जो एपिसोड आप देखने वाले होते हैं उसको आप करके आइएगा घर से, सो दैट यहाँ पे आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप देख लें. अगर जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे हिट करें और देख लें, है ना. चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.